हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश के 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आंसर के साथ पढ़ेंगे। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम 12th इंग्लिश प्रोज के 8 जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, उनको हम आंसर के साथ पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपका 8 नंबर पक्का हो सकता है, यानी कि ये बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, जो आपके 12th इंग्लिश प्रोज के जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, ये 8 नंबर के आते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका 8 नंबर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आंसर के साथ बताऊंगा और मैं आपको हिंदी मीनिंग भी बताऊंगा। तो अगर आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो इन 8 क्वेश्चन को आपको याद करके ही जाना है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। देखिए, ये क्वेश्चन है हमारे द लास्ट लेसन चैप्टर से, जो हमारा फर्स्ट लेसन है उसका नाम है द लास्ट लेसन। ठीक है, इस चैप्टर से क्वेश्चन है कि व्हाट हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड, यानी कि उस दिन जो है सूचना पट पर क्या लगाया गया था, स्कूल में सूचना पट पर क्या लगाया गया था, ये आपको यहां पर बताना है। तो देखिए, इसका आंसर क्या होगा, एन ऑर्डर। देखिए, सूचना पट पर क्या लगाया गया था, तो देखिए एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। ठीक है, यानी कि क्या कहा गया था कि सूचना पट पर क्या लगाया गया था, पहले इसका आंसर जान लेते हैं। देखिए, बर्लिन से एक आदेश बुलेटिन बोर्ड पर लगाया गया था। इसमें कहा गया था कि अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाया जाएगा, यानी कि जो जिस स्कूल में फ्रेंच पढ़ता था उसमें अब केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। ठीक है, फ्रेंच के शिक्षण को रोकना पड़ा, तो यही चीज यहाँ पर बुलेटिन बोर्ड पर आदेश दिया गया था और उसे लगाया गया था। तो वही हम आंसर में लिखेंगे, एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। ठीक है, यानी कि बर्लिन से एक आदेश आया था, हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड। ठीक है, पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड, यानी कि एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड, यानी कि बर्लिन से एक आदेश बुलेटिन बोर्ड पर लगाया गया था। वो आदेश क्या है उसको समझते हैं, तो उसको लिखेंगे इट सैड डैट ओनली जर्मन would be taught in the schools of Alsace and Lorraine। ठीक है, यहां पर क्या कहा जा रहा है, देखिए, it said That only German would be taught in the schools of Alsace and Lorraine। यानी कि यहां पर क्या कहा गया कि इसमें कहा गया था कि अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाया जाएगा। ठीक है, यही जो है बुलेटिन बोर्ड पर लगाया गया था। आगे थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा हम और लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे द टीचिंग ऑफ फ्रेंच। ठीक है, द टीचिंग ऑफ फ्रेंच हैड टू बी स्टॉप्ड। ठीक है, तो यहां पर क्या कहा गया कि द टीचिंग ऑफ फ्रेंच हैज टू बी स्टार्ट, यानी कि फ्रेंच के शिक्षण को रोकना पड़ा, उसमें फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा। तो क्वेश्चन था कि बुलेटिन, उस दिन बुलेटिन बोर्ड सूचना पत्र पर क्या लगाया गया था, तो एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड, यानी कि उस दिन सूचना पत्र पर बर्लिन से आए एक आदेश को लगाया गया था। इट सैड डैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, यानी कि इसमें कहा गया कि एल्सेस और लॉरेन के स्कूल में केवल जर्मन पढ़ाया जाएगा। ठीक है, द टीचिंग ऑफ फ्रेंच हैड टू बी स्टॉप्ड, इसीलिए फ्रेंच की पढ़ाई को रोकना पड़ा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे हम सेकंड देखते हैं, सेकंड हमारा है व्हाट वाज द फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ
फॉर स्कूल डैट डे, यानी कि उस दिन स्कूल के लिए फ्रेंच से क्या तैयार करने की आशा की गई थी, यानी कि जो वहां के टीचर थे एम हेमल, उन्होंने फ्रेंच से क्या याद करने की आशा की थी। फ्रेंच जो था एक स्टूडेंट था, ठीक है, उसके टीचर थे एम हेमल, तो एम हेमल ने फ्रेंच को क्या याद करने को दिया था, क्या उसकी आशा की गई थी, तो उसको हमें बताना है। तो देखिए, फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर ये लेसन ऑन पार्टिसिपल, यानी कि फ्रेंच से पार्टिसिपल पर एक पाठ तैयार करने की अपेक्षा की गई थी, यानी कि जो उनके टीचर एम हेमल थे उन्होंने फ्रेंच को पार्टिसिपल पर एक लेसन याद करने को दिया था, ठीक है, तैयार करने को दिया था, उसकी आशा की गई थी। पार्टिसिपल आपको पता है, ग्रामर में पता होगा, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल पास्ट, ठीक है। आगे देखिए, एम हेमल हिज टीचर, जो कि उसके अध्यापक थे, हैड अनाउंस दैट, उन्होंने घोषणा की थी कि ही वुड क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल ऑन दैट डे, यानी कि वो उस दिन पार्टिसिपल से सवाल करेंगे। तो देखिए, एम हेमल जो कि उसके शिक्षक थे, उन्होंने घोषणा की थी कि वह उस दिन पार्टिसिपल से सवाल करेंगे, यानी कि पार्टिसिपल से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, फ्रेंच डिज नॉट नो इवन द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और फ्रेंच को पार्टिसिपल का के एक भी वर्ड के बारे में नहीं पता था, यानी कि फ्रेंच को उनके बारे में पहला शब्द भी नहीं पता था कि पार्टिसिपल होता क्या है, तो पार्टिसिपल के बारे में वो क्या पढ़ेगा, उसे कुछ भी नहीं पता था। फिर क्या हुआ, ही वॉज एक्सपेक्टिंग ए स्कोल्डिंग फ्रॉम हिज टीचर ऑन दैट डे, यानी कि वह उस दिन अपने शिक्षक से डांट की उम्मीद कर रहा था कि उसके शिक्षक जो हैं उसको डांटेंगे, ठीक है, वह ऐसी उम्मीद कर रहा था, ठीक है। तो यह आपका क्वेश्चन था कि जो फ्रेंच था, ठीक है, उस दिन स्कूल के लिए फ्रेंच से क्या तैयार करने की आशा की गई थी, तो फ्रेंच से पार्टिसिपल पर एक पाठ तैयार करने की आशा की गई थी। एम हेमल जो कि उसके टीचर थे, उन्होंने अनाउंस किया था कि वो उस दिन पार्टिसिपल पर क्वेश्चंस करेंगे। फ्रेंच डिड नॉट नो इवन द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और फ्रेंच को पार्टिसिपल का एक भी वर्ड नहीं पता था, वो उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। ही वॉज एक्सपेक्टिंग ए स्कोल्डिंग फ्रॉम हिज टीचर ऑन दैट डे, यानी कि वह उस दिन अपने शिक्षक से डांट की उम्मीद कर रहा था कि उसके शिक्षक जो है उसे डांटेंगे, क्योंकि उसे पार्टिसिपल के बारे में कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, यानी कि जो एम हेमल थे उन्होंने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा, उन्होंने फ्रेंच भाषा की जो है अच्छाइयों को कैसे बताया। देखिए, ही कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, उन्होंने फ्रेंच को दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा कहा, ठीक है। जो एम हेमल थे उन्होंने फ्रेंच को दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा कहा। ही सेड दैट इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, उन्होंने कहा कि यह दुनिया की सबसे साफ, क्लियरेस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे स्पष्ट, एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, लॉजिकल का मतलब होता है तार्किक, ठीक है। तो उन्होंने फ्रेंच भाषा को दुनिया का सबसे स्पष्ट और तार्किक भाषा बताया। तो एम हेमल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा, उन्होंने फ्रेंच भाषा को दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा कहा, और उन्होंने कहा कि यह दुनिया की सबसे स्पष्ट और तार्किक भाषा है, ठीक है। ये सब उन्होंने फ्रेंच भाषा के बारे में बताया। देखिए, अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई डज द ऑथर से गार्बेज टू देम इज गोल्ड, ये हमारे सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। इस चैप्टर का नाम है द लॉस्ट स्प्रिंग। तो देखिए, क्वेश्चन है कि व्हाई डज द ऑथर से गार्बेज टू देम इज गोल्ड, यानी कि लेखिका ऐसा क्यों कहती है कि कचरा उनके लिए सोना है। जो कचरा बीनने वाले लोग हैं उनको लेखिका कहती है कि कचरा जो है उन लोगों के लिए सोना है जो कचरा बीनते हैं, ठीक है। क्यों सोना है, देखिए गार्बेज द ओनली मीन्स ऑफ सर्वाइवल फॉर देम, यानी कि जो कूड़ा करकट है वो उनके लिए जीवन रक्षा का एकमात्र साधन है, उसी से उनका घर चलता है, ठीक है। जो कचरा बीनने वाले लोग होते हैं, They search for something valuable in the garbage, यानी कि वे कूड़ा करकट में कुछ मूल्यवान चीजें ढूंढते हैं, ठीक है, ताकि उनके बदले उसे पैसे मिल सके। And sell for a little money, और उसे कुछ पैसों के लिए बेचते हैं, ठीक है। तो जो कचरा बीनने वाले लोग हैं उनके लिए कचरा जो है जीवन का एकमात्र साधन है, कूड़ा करकट ही जीवन रक्षा का एकमात्र साधन है। दे सर्च फॉर समथिंग वैल्यूएबल इन द गार्बेज, वे कूड़ा करकट में कुछ मूल्यवान चीजें ढूंढते हैं ताकि वो क्या कर सके, एंड सेल फॉर ये लिटिल मनी, और कुछ पैसों के लिए उन्हें बेचते हैं। दे पिच दियर टेंट्स,
wherever they can find rags, वे अपने तंबू वहीं तान लेते हैं जहां उन्हें कूड़ा करकट मिलता है। ठीक है, क्या करते हैं, वे अपने तंबू गाड़ देते हैं जहां कहीं भी उन्हें कूड़ा करकट मिल जाता है। सो द ऑथर राइटली सेज दैट, इसलिए जो लेखिका है, जो लेखक है, उन्होंने ठीक ही कहा है दैट कि गार्बेज इज नो लेस देन गोल्ड टू द रैग पिकर, यानी कि जो कूड़ा करकट है वो कचरा बीनने वालों के लिए सोने से कम नहीं है। ठीक है, जो कचरा बीनने वाले लोग हैं उनके लिए कचरा ही सोना है। ठीक है, क्योंकि उनके बदले उसे पैसे मिलते हैं। तो क्वेश्चन आपका था कि जो लेखिका है वो ऐसा क्यों कहती है कि कचरा उनके लिए सोना है। तो देखिए, गार्बेज इज द ओनली मीन्स ऑफ सर्वाइवल फॉर देम, गार्बेज जो है उनके लिए कूड़ा करकट ही जीवन रक्षा का एकमात्र साधन है। दे सर्च फॉर समथिंग वैल्युएबल इन द गार्बेज, वे कचरे में कुछ मूल्यवान चीजें खोजते हैं, एंड सेल फॉर ए लिटिल मनी, और अपने और थोड़े पैसों के लिए उसे बेचते हैं। दे पिच देयर टेंट्स व्हेरेवर दे कैन फाइंड रैक्स, वे अपने तंबू वही गाड़ लेते हैं जहां उन्हें कूड़ा करकट मिलता है। सो द ऑथर राइटली सेज दैट गार्बेज इज नो लेस देन गोल्ड टू द रैग पिकर, इसीलिए लेखिका ने ठीक ही कहा है कि सोना जो कूड़ा करकट है वो उनके लिए सोने से कम नहीं है, जो कूड़ा करकट है वो कूड़ा बीनने वालों के लिए सोने से कम नहीं होता। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन भी इसी चैप्टर से है। देखिए, व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, यानी कि साहेब जो है वो गार्बेज, जो साहेब है, ठीक है, साहेब इसमें है, तो जो साहेब है वो कूड़े के ढेर में क्या खोज रहा था। वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम, वह कहाँ है और कहाँ से आया है, यानी कि साहेब के बारे में पूछ रहा है कि साहेब जो है वो कूड़े के ढेर में क्या खोज रहा था, वह कहाँ से है और कहां है और कहां से आया है। देखिए, साहेब इज ए रैग पिकर, साहेब कूड़ा बीनने वाला एक आदमी है। ठीक है, साहेब कचरा बीनने वाला है। ही इज लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स, वह कचरे के ढेर में सोना ढूंढ रहा है। प्रेजेंटली ही इज इन दिल्ली, जो फिलहाल वह बांग्लादेश में है इस समय। ही हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश, सॉरी, प्रेजेंटली ही इज इन दिल्ली, फिलहाल वो दिल्ली में है। ही हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश, वह बांग्लादेश से आया है। तो साहेब कौन है, साहेब एक कचरा बीनने वाला है, यानी कि रैग पिकर है। ठीक है, वो कूड़े के ढेर में क्या ढूंढ रहा है, वो कूड़े के ढेर में सोना ढूंढ रहा है। ठीक है, और वह फिलहाल दिल्ली में है और वह बांग्लादेश से आया है। उसका जो मेन रेजिडेंस है वो बांग्लादेश, जहां वो पैदा हुआ। ठीक है, अब ऐसे सिक्स नंबर देखिए, साहेब जो है उसके बारे में बताया गया है। इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, क्या साहेब चाय की दुकान पर काम करके खुश है, एक्सप्लेन, स्पष्ट करो। तो क्या साहेब चाय की दुकान पर काम करके खुश है, स्पष्ट करो। देखिए, साहेब डज नॉट सीम टू बी हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, यानी कि साहेब जो है वो चाय की दुकान पर काम करके खुश नहीं दिखता, वो खुश नहीं है। क्यों नहीं है, वो देखिए, नाउ ही फील्स बाउंड एंड बर्डनड, यानी कि अब वह खुद को बाध्य और बोझिल महसूस करता है। देखिए, नाउ ही फील्स बाउंड, वह बंधा हुआ है, वो मजबूरियों के धागे में बंधा हुआ है, उसको वही काम करना है। ठीक है, क्योंकि वो आगे कैसे बढ़ेगा, बहुत गरीब है। साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहेब अब खुद का मालिक नहीं है, वो अपना मालिक नहीं रहा। तो क्वेश्चन था कि क्या साहेब चाय के दुकान पर काम करके खुश है, तो साहेब चाय के दुकान पर काम करके खुश नहीं लगता। क्यों, नाउ ही फील्स बाउंड एंड बर्डनड, अब वह खुद को बाध्य और बोझिल महसूस करता है। साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहेब अब खुद का मालिक नहीं है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे अपने तीसरे चैप्टर से, जिसका नाम है डीप वाटर। ठीक है, हमारा जो सातवां क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि व्हेन डिड द राइटर ज्वाइन द YMCA पूल एंड व्हाई, यानी कि लेखक YMCA तरल ताल में कब भर्ती हुआ और क्यों। YMCA पूल है, एक पूल है जो लोगों को तैरना सिखाता है, उसको सीखने की एक अवसर प्रदान करता है, अपॉर्चुनिटी। तो यहां पर कहा जा रहा है कि लेखक जो है वो YMCA पूल में कब भर्ती हुआ और क्यों। तो देखिए, ही वॉज 10 or 11 ईयर्स ओल्ड व्हेन ही ज्वाइन द YMCA पूल, यानी कि वह 10 या 11 साल के थे जब उन्होंने YMCA पूल को ज्वाइन किया। इट ऑफर्ड एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न टू स्विम, और जो ये पूल है इसमें तैरना सीखने का अवसर प्रदान किया, यानी कि जो YMCA पूल है ये लोगों को तैरना सीखने का अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है, अवसर प्रदान करता है। ठीक है, ताकि आप तैरना सीख जाएं। तो यही क्वेश्चन था, ठीक है, कि जो राइटर है उन्होंने YMCA पूल कब ज्वाइन किया और क्यों ज्वाइन किया। तो जो राइटर ने, जब वह 10 या 11 साल के थे तब उन्होंने YMCA पूल ज्वाइन किया। क्यों ज्वाइन किया, क्योंकि इट ऑफर्ड एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न टू स्विम, क्योंकि जो YMCA पूल है ये लोगों को तैरना सीखने की अवसर प्रदान करता है, तैरने, ताकि आप तैर सकें, ठीक है, पानी में। तो ये आपका
आंसर होगा। चलिए एट नंबर और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि इसी चैप्टर से है। तो देखिए हमारा एट नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट, यानी कि व्हाट इज द मिस एडवेंचर, ठीक है, यानी कि विलियम डगलस कौन सी दुर्घटना की बात करते हैं, मिस एडवेंचर का मतलब दुर्घटना। तो व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट, यानी कि विलियम डगलस कौन सी दुर्घटना की बात करते हैं। तो देखिए डगलस गोएस टू द स्विमिंग पूल व्हेन नो वन एल्स इज देयर, यानी कि डगलस स्विमिंग पूल में जाता है जब कोई और नहीं होता, वो स्विमिंग पूल के पास जाते हैं जब वहां पर कोई और नहीं होता, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, ही सिट्स देयर, वो वहां बैठते हैं, वेटिंग फॉर समवन टू कम, यानी कि किसी के आने का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। तो वह वहीं बैठा है और किसी के आने का इंतजार कर रहा है, तभी देखिए कौन सी दुर्घटना उनके साथ होती है, ये स्टाउटली बिल्ट बॉय कम्स देयर एंड थ्रो हिम इनटू डीप वाटर। देखिए ये स्टाउटली बिल्ट बॉय यानी कि एक हठीला लड़का, ठीक है, हट्टा कट्टा लड़का कम्स देयर, वहां आता है एंड थ्रो, और फेंक देता है हिम, उन्हें इनटू डीप वाटर यानी कि गहरे पानी में। तभी क्या होता है, जब वो वहां पर स्विमिंग पूल के पास बैठे थे तो एक हठीला लड़का उनके पास आता है और उन्हें गहरे पानी में फेंक देता है। दिस इज द मिस एडवेंचर ही स्पीक्स अबाउट, और यह वही दुर्घटना है जिसके बारे में डगलस बात कर रहे हैं, इन व्हिच ही नैरोली एस्केप डेथ, जिससे वो मृत्यु से बाल बाल बच जाते हैं। तो क्वेश्चन था कि बिली जो डगलस हैं वो किस दुर्घटना की बात करते हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि डगलस स्विमिंग पूल पर जाते हैं, देखिए डगलस गोएस टू द स्विमिंग पूल व्हेन नो वन एल्स इज देयर, तो डगलस स्विमिंग पूल पर जाते हैं जब कोई और वहां नहीं होता, ही सिट्स देयर वेटिंग फॉर समवन टू कम, वो वहां पर बैठते हैं किसी के आने का इंतजार करते हैं, ये स्टाउटली बिल्ट बॉय कम्स देयर, एक हठीला लड़का वहां आता है एंड थ्रो हिम इनटू डीप वाटर, और उन्हें गहरे पानी में फेंक देता है। दिस इज द मिस एडवेंचर ही स्पीक्स अबाउट, इन व्हिच ही नैरोली एस्केप डेथ, और ये वही दुर्घटना है जिसके बारे में वो बात करते हैं जिसमें वो मृत्यु से बाल बाल बच जाते हैं, ठीक है। तो ये वही दुर्घटना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको एट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, आई होप कि आपको ये आठों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुके होंगे, मैंने आपको हिंदी मीनिंग के साथ बताया। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, और किसी भी टॉपिक में क्योरी है तो कमेंट करके बताएं।